सेट दिखा रहा हूँ कि आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कुछ बुक्स जो है वो अलग होती है, जैसे बच्चे अलग सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे सोशियोलॉजी ले लेते हैं, कुछ बच्चे ज्योग्राफी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो बुक्स हैं आप इसमें जो अवेलेबल है वो देख सकते हो, इंग्लिश की, हिंदी की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो ये देखो, ये बुक है, ये हिंदी की है, अंतरा है, भाग एक, भाग एक 11th के लिए होता है, भाग दो 12th क्लास के लिए होता है, ठीक है। दूसरी है, ठीक है, दो बुक होते हैं हिंदी की, ये इंग्लिश की भी दो बुक्स होती हैं, स्नैपशॉट हो गया, ये दूसरी है, ठीक है, ये पॉलिटिकल की होती है, आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आपकी स्ट्रेंथ किसमें है, ठीक है। दो बुक्स होती हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट टर्म मिड टर्म होता है ना उसमें इसके 8 या 9 चैप्टर आते हैं, ठीक है, और इसका 1 चैप्टर आता है मिड टर्म में। सिलेबस की वीडियो पे बनाता जा रहा हूँ, आप सारी देखते लेना, ठीक है। ये अलग अलग राइटर्स की होती है, फिजिक्स एजुकेशन में यही नहीं कर रहा, यही लो, जो आपके टीचर्स बोलेंगे आपको वही लेनी पड़ेगी, तो इसको बाद में खरीदना, ठीक है। और ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये TIGN VQL सबसे बेस्ट मानी जाती है, आप NCERT से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ब्रीफ होता है, ठीक है। सिलेबस की वीडियो देखोगे ना आपको बहुत पता लगेगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। मिड टर्म में बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है, ठीक है। इस बुक के जो है वो, ये जो स्टार्ट वाली बुक है इसके आपके 9 चैप्टर आएंगे, और इस वाली बुक के आपके जो है 8 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, मिड टर्म में। और ये है हिस्ट्री की, ठीक है। अब इस बच्चे के पास जिसकी ये है बुक्स, उसके पास ये सब्जेक्ट थे तो मैंने आपसे शेयर किए हैं, बाकी कई बच्चे को ज्योग्राफी, कई बच्चे को हिस्ट्री, कई बच्चे और भी एडिशनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वो ले लेते हैं, तो जो आपके पास होगा, जो आपने लिया होगा वो आपको फिर बुक्स देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये NCERT सबके लिए बेस्ट रहती है, इकोनॉमिक्स के लिए राइटर की बुक, तो इसलिए मैंने राइटर की बुक दिखाई थी, और इसके लिए कैपिटल बुक ज़्यादा बेटर रहता है, स्टडी सही रहती है, बाकी अगर NCERT लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना ही था वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।